नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नारम। आज आपके सामने बहुत ही एक बेहतरीन केस लेकर आया हूं। ये केस बहुत ही सीवियर है, ऊंट कैमल में केस है, लेमिनेस इन द कैमल। एंड लेमिनेस है वो भी एक लिगामेंट के ब्रेकडाउन और फैटिकनेस के साथ साथ हाईली डिहाइड्रेशन का केस है। इस एनिमल को ट्रांसपोर्टेशन किया गया 400 से 500 किलोमीटर और उसको बहुत ही टाइट बांध दिया गया था, जो इन स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं था, इन सिटिंग रिकम्बेंसी में लाया गया इस एनिमल को। उसकी वजह से उसके लिगामेंट थे वो बहुत ही ब्रेकडाउन हो गए। ब्रेकडाउन होने की वजह से जो लिगामेंट की टोनिसिटी थी, जो कैल्शियम की वजह से होती है, वो बहुत ही जीरो के बराबर होगी टोनिसिटी। उसकी वजह से एनिमल स्टैंड नहीं कर पा रहा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था, ना पानी पी रहा था, ना कुछ खा रहा था। ये अपने ही जानकार थे, भाटी साहब है, इन्होंने मेरे को कॉल किया। बहुत ही दूर केस था, बटाला के एक फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ पर मैं गया, इसको ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के रूप में इसको टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर नॉर्मल था, वही था कि एनिमल रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इसकी डिस्टल नर्व को देखा, पिन करके देखा, कुछ रेस्पॉन्स नहीं था। एनिमल का आई मूवमेंट ठीक था, आई कंजेस्टेड थी। इसका ट्रीटमेंट करने से पहले ये बोल दिया गया था कि एनिमल के सक्सेस रेट होने की, मतलब सही होने की रेट बहुत ही कम है, 1 से 2% ऐसे केस में होता है। फिर भी उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट कीजिए, तो उनकी डिमांड पर हमने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट में एविल दिया 10 से 15 ml, कीटोप्रोपेन दिया जो हाईली एक्टिव एंटीपायरेटिक ड्रग है, इसके साथ साथ वेटफॉस दिया 15 ml जिसमें फॉस्फोरस होता है। उसके साथ साथ इसको 400 से 500 ml माइफैक्स चढ़ाया कैल्शियम की कमी होने के कारण। टेम्परेचर नहीं था, फिर भी इसको प्रिकॉशन के रूप में 4 ग्राम मोक्सजेल दिया, 3 लीटर आरएल दिया, 2 लीटर डीएनएस दिया, 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाया। इसके साथ साथ इसको बफर जोन का और सब का सोल्यूशन पिलाया और इनको मालिश करने के लिए मैग सल्फेट के साथ ग्लिसरीन, जो कि कहीं का इन्फ्लामेशन था उसके लिए बहुत ही कामगर होता है, उसको दिया। शाम तक कुछ एनिमल ने पानी पिया, कुछ रेस्पॉन्स आया, तो उन्होंने कहा कि एनिमल ठीक हो रहा है, ट्रीटमेंट कल और करेंगे। तो वो एक बहुत ही शानदार बात हुई कि एनिमल रेस्पॉन्स कर रहा था ट्रीटमेंट से, और ये बहुत ही खुश थे कि इतनी दूर आप डॉक्टर साहब आए, ट्रीटमेंट किया, कोई आता भी नहीं है। और ये एक फॉरेस्ट एरिया है, आप देख रहे हो, जहाँ पर ऊँट पड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हो रहा है। बाकी ऊँट का क्या खड़ा नहीं हो, ऊँट तो कहीं भी जा सकता है। ये देखो कंटीली झाड़ियाँ हैं, इसके पास बहुत ही रनरोई का एरिया था, वहाँ पर ट्रीटमेंट किया। ये बहुत खुश थे कि आप आए, और ये था आज का केस। थोड़ा ध्यान रखिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम एनिमल का, ताकि ऐसा केस नहीं फिर से नहीं हो। धन्यवाद आपको आज की वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ आपका डॉक्टर अन्नाराम, धन्यवाद।